बारे में या उनके प्रसंग में मुझे बोलना है, दो ढाई मिनट में। ऐसा लग रहा जिससे जैसे विराट आकाश में एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया की फड़फड़ाहट। बहरहाल मैं अतीत में लौटता हूँ, सागर के उन दिनों में जब मैं वहां से हिंदी एमए कर रहा था, तो अशोक जी के घर में कभी कभार जाता था, लेकिन बड़े सहमे सहमे जाता था मैं कि कहीं ऐसा ना अशोक जी के साथ मेरा सामना पड़ जाए, वो कुछ पूछ ले। वो मैं डरता था क्योंकि मुझे बोलना भी ऐसे मुझे आता नहीं है। तो करते फिर, लेकिन ये यात्रा चली। लेकिन सबसे ज्यादा संपर्क में अगर आया हूँ तो भोपाल के दिनों में, जब मैं तनाव प्रतिक्रिया निकालता था और तनाव के प्रसंग को लेकर मैं हमेशा अशोक जी से कुछ ना कुछ सवाल लेता रहता था। वो रचनात्मक ढंग से उन्होंने स्वीकार किया और आर्थिक रूप से भी किया, और उन्होंने मनोबल भी बढ़ाया, और यही कारण कि आज भी तनाव प्रकाशित है और आप लोगों के सामने। अशोक जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका खुद का निजी वृत्त शब्द कोश है, और कई रचनाकारों के लिए वो कुछ ही शब्दों को लेके यहाँ वहां सब घूमते देते हैं, लेकिन अशोक जी का खुद का बृहत शब्द कोश है, ये बहुत बड़ी। और वैसे अशोक जी बात करने में तो ऐसा लगता है जैसे वो बाली हैं जो आधा बल ले लेते हैं सामने वाले का। तो वो वैसे आज कचा जाता, हड़बड़ा जाता, जो बोलना चाहे तो बोलना बोल के कोई दूसरी चीज बोल देता। तो इस तरह का जो चुंबकीय उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत भाई अद्भुत है, अपूर्व। इसको सब कोई भी इसको स्वीकार तो करेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, अशोक जी से साक्षात्कार करते हुए लेते हुए उदयन ने पूछा था भाषा को लेकर, तो अशोक जी का हिंदी भाषा सीखने के लिए तीन भाषाएं सीखना जरूरी है, जरूरी नहीं है ना, अच्छा है, संस्कृत उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप हिंदी को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अशोक जी ने कई प्रसंग, चाहे वो राजनीतिक प्रसंग हो, साहित्य प्रसंग हो, कला का प्रसंग हो, संगीत का प्रसंग, कोई भी प्रसंग हो, अशोक जी सब प्रसंगों में अपनी पूरी जीवंतता के साथ एकदम खड़े हुए हैं। और आज अशोक जी का महिमा मंडल जो है, उनका प्रभाव मंडल जो है ना, और उसमें हम मैं क्या कह सकता हूँ दो ढाई मिनट में, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अशोक जी ने जो प्रेम मुझे दिया, मुझे जो वात्सल्य दिया है, वो मेरे हृदय में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा।